सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन है तो आज माता के चंद्रघंटा रूप की आराधना होती है। इनके आराधना से साधक में वीरता, निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता, इन सभी चीजों का विकास होता है और चैत्र शुक्ल की तृतीया को इनकी आराधना की जाती है। इनका रूप स्वरूप अत्यंत ही भव्य है और अपने भक्तों के लिए अमृत तुल्य मानी जाती हैं और इनकी साधना में अलौकिक अनुभव भी अवश्य ही होते हैं, तो इसलिए माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और योगियों के लिए या योग साधकों के लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण का माना जाता है। कारण क्योंकि मूलाधार से अगले दिन स्वाधिष्ठान होते हुए आज मणिपुर चक्र में योगी का मन स्थित हो जाता है। इस वजह से बहुत सी अद्भुत चीजें आपको देखने को समझने को मिलती है। अगर आप योगी हैं, योग साधना करते हैं या मंत्र जाप निश्चित रूप से कर रहे हैं या माँ की आराधना मंत्रों से करेंगे तो ऐसे अलौकिक अनुभव आपको अवश्य होते हैं। इसलिए अनुभव तीत होने की वजह से माता चंद्रघंटा भक्तों में काफी प्रसिद्ध भी है। इनकी जो मंत्र है वो है ध्यान में लाने के लिए, पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मध्यम चंड घंटेति विश्रुता। ये तीसरी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की मानी जाती है और तीसरे दिन ही विग्रह का इनके जो पूजन और आराधना किया जाता है। इनका ये स्वरूप जो है परम शांतिदायक है और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का जो एक अर्धचंद्र है, जो जैसे भगवान शिव के नजर आता है, चंद्रमौली भगवान शिव कहे जाते हैं, इसी कारण इन्हें जो है चंद्रघंटा देवी के नाम से भी जाना जाता है। सिर पर अर्धचंद्र होने के कारण इनके शरीर का जो रंग है वो स्वर्ण के समान चमकीला है, यानी पीली आभा लिए हुए अत्यंत ही चमकीले, जैसे सोना चमकता है उसी तरह इनका रंग माना जाता है। इनके माँ के 10 हाथ सुशोभित हैं और अपने ये 10 हाथों में क्रमशः जो है खड़ग, शस्त्र, बाण और त्रिशूल, कमंडल, कमल इत्यादि तलवार सहित जो है धारण करती हैं। ये अभय मुद्रा में भी हैं क्योंकि ये भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इनका वाहन भी सिंह है और इनकी मुद्रा युद्ध के लिए लगातार उद्धत रहने की नजर आती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी जो है दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं और मारे जाते हैं। इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा भी कहा जाता है क्योंकि घंटी की बजने की आवाज आती है और वहां स्थित जो भी बुरी शक्तियां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन साधक का जो मन है वो मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरे दिन से होते हुए जैसे पहले दिन मूलाधार में होता है, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान में और अब आज जो है मणिपुर में प्रवेश कर जाता है, तो माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत अलग अलग तरह की चीजें आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त आपको दिव्य सुगंधियों का भी अनुभव होता है। ऐसी अलग अलग तरह की खुशबू आपके कान नाक में आती है कि आप
कहते हो ये किस लोक की है, इस पृथ्वी लोक की तो ये है ही नहीं। विविध प्रकार की आपको दिव्य ध्वनियां भी सुनाई पड़ती है। याद रखें ये क्षण जो होते हैं साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अगर सावधानी नहीं बरतेगा तो आपकी किया किराए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए माता के इन दिव्य अनुभव का आनंद लेते हुए साधना में भटकना नहीं चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा ही फलदायी रहती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। इसलिए भक्तों का कष्ट निवारण के लिए ये अत्यंत ही शीघ्रता से कार्य कर देती है। सिंह वाहन होने से इनका जो उपासक है वो सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भर हो जाता है। वो इतना अधिक निर्भय होता है कि जीवन में कोई भी संघर्ष सहजता से वो झेल लेता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि से हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों का पलायन हो जाता है। दुष्टों का दमन विनाश करने के लिए सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक सबसे बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता निर्भरता के साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण के वृद्धि होती है। स्वर में दिव्यता अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त उपासक जहां भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश परमाणुओं का अदृश्य विकिरण चारों तरफ होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से तो दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि मन वचन कर्म और काया विहित विधि विधान के द्वारा पूर्णतः शुद्ध पवित्र होकर के माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में लगातार लगे रहें। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सदगति को देने वाला है। उनका जो ध्यान मंत्र है वो है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ चंद्र घंटा यशस्विनी मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खंगम गदा त्रिशूलम चापशर पद्म कमंडलु माता वराभीत कराम पटाम्बर परिधानम मृदु हास्या नानाकरान विभूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल बदनाम विवाधारम कांतम कपोलम तुंग कुंचाम कामनीयम लावाण्यम क्षीणकटी नितंबनीम। माता का स्त्रोत पाठ इस प्रकार है। अपिधारिणी त्वयि अध्या शक्ति शुभ पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घटा प्रणाम्य हम चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणम्य हम नाना रूप धारिणी इच्छायनी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्र घंटा प्रणम्य हम। माँ का कवच इस प्रकार से है। श्रणु देवी प्रवक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्री चंद्र घंटास्य कवचम सर्व सिद्धि दायकम बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धा बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धमात्रेण सिद्धिदाम कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय न च दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। तो इनका अद्भुत कवच है माँ का। इस प्रकार से जैसे रोज माता की नवरात्रि में पूजा हो रही इसी प्रकार माता की आप पूजा कीजिए।
और मंत्र मैंने आपके जो स्क्रीन पर डाली दिया है उस मंत्र का मूल का 21 से 51 माला जो जैसे आपकी सामर्थ्य हो रात्रि के समय अवश्य जाप कीजिए। साथ में ध्यान स्त्रोत और कवच जो मैंने बताया है उसका भी पाठ करें ताकि माँ की कृपा आपको मिलेगी। अपना आसन शुद्ध सब प्रकार से शुद्ध रखें और लाल कंबल के आसन पर बैठकर ही आराधना या पूजा या उपासना करें। माँ के सामने फोटो लगा ही हो, माँ के किसी भी रूप का फोटो आप लगा सकते हैं। इस प्रकार प्रतिक्रिया के हिसाब से रोज रोज अलग अलग फोटो बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माँ एक ही है, अलग अलग रूपों में आपको दर्शन देती। मणिपुर की जागृति होने पर सहजता से धीरे धीरे आगे बढ़े, किसी प्रकार की हड़बड़ाहट ना रखें ताकि आपका जो है साधना आपकी सफल हो सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।